हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुक कार में विशीला। आज मेरी किचन में बनने जा रहा है मेथी मटर मलाई। उसके लिए लिया है मैंने एक पैन में पानी और उसे अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। फिर बॉईल पानी के अंदर ही हम मेथी को डाल देंगे और 2 मिनट के लिए बस इसे पका लेंगे। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि इसका मेथी का कलर है हमारा थोड़ा हरा हरा ही रहना चाहिए। और फिर हम जब ये बॉईल हो जाएगा तो हम इस मेथी को ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे और जो पानी रखा हुआ है उसे हम ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे बाद में। और फिर एक पैन में लेंगे पानी और उसके अंदर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, 4 हरी मिर्च और काजू। काजू इन सभी को हम अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे। इससे क्या होता है ना, जो हमारी ग्रेवी बनेगी वो थोड़ी क्रीमी ग्रेवी बनेगी और हमें मेथी मटर मलाई बनाना है तो उसकी ग्रेवी थोड़ी सी मलाई टाइप की थोड़ी होनी चाहिए। इसके लिए हम इसे अच्छे से पीस लेंगे और फिर एक पैन लेंगे और उसके अंदर लेंगे थोड़ी सी कुकिंग ऑयल और फिर उसमें डालेंगे 1 लाल मिर्च, लौंग, दालचीनी और 2 काले मिर्च। इसका तड़का लगाने के बाद हम फिर इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट और जो हमने प्याज मिर्ची और काजू की पेस्ट बनाई हुई थी उसको भी इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। इसे कंटिन्यू चलाते रहना है क्योंकि इसमें काजू पड़ा है ना तो वो थोड़ा सा कढ़ाई में चिपकने लगता है। अगर हम कंटिन्यू चलाएंगे तो इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही बढ़िया रेडी होगी। और फिर इसमें ऐड कर देंगे हम हरा मटर और दोनों को मिक्स करते हुए थोड़ा सा चलाते रहेंगे, कंटिन्यू चलाते चलाते ही इसे पकाएंगे हम। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले हम इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करने वाले, हमने मसाले के नाम पे बस 2 ही चीज़ इसमें डाली है, एक थोड़ा सा गरम मसाला और भुना हुआ धनिया। और फिर इसमें हम जिस मिक्सी में हमने मसाले को पीसा था उसको भी खंगाल के इसमें डाल देंगे और फिर थोड़ा ढक के इसे थोड़ा सा मटर सॉफ्ट होने तक इसे ढक के पकाएंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे जो हमने मेथी के बॉईल किया हुआ पानी रखा था उसको भी इसमें ऐड कर देंगे और फिर कंटिन्यू चलाते हुए इसे पकाएंगे। देखिए इसमें बॉईल आ चुका है, अब इसमें ऐड कर देंगे हम मेथी। मेथी को भी ऐड करके चलाते हुए कंटिन्यू इसको पकाएंगे। ये ग्रेवी बहुत जल्दी से थिक हो जाती है तो उसका खास ख्याल रखें, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं पसंद आती है ये। इसे हम पराठे के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। पराठा, रोटी, नान बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है। जब घर में कोई पार्टी हो तो हम इसे ज़रूर बना सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। ढक के पका दिया है मैंने, अब इसमें डालेंगे हम मलाई। मलाई को डालते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमें गैस का फ्लेम स्लो रखना है और एक बॉईल तक बस हमें इसे बॉईल करना है। एक बॉईल आने के बाद हमें गैस को ऑफ़ कर देना है। इसके बाद देखिए इसकी सब्ज़ी एकदम लजीज और टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। और जो बची हुई मलाई है वो भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। बस एक बॉईल तक हमें वेट करना है और हमारी गर्मा गर्म मेथी मटर मलाई तैयार है। इसकी थिकनेस देखिए कितनी परफेक्ट आई है। ये देखिए थिकनेस एकदम परफेक्ट आई है इसकी। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लेते हैं। अगर मेरी ये मेथी मटर मलाई की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। घर में मटर मेथी मटर मलाई बनाइए, खाइए और खिलाइए। बाय बाय।